गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत हमेशा की तरह। मैं सुनय पांडे, खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे महानगर सहित जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। झंगहा में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पर एसएसपी ने किया 25,000 का इनाम घोषित, कहा पूरी तरह से सामान्य है स्थिति। विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने सीएमओ कुशीनगर को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में 14 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा ग्राम स्वराज अभियान, मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया निर्देश। गोरखपुर के 40 सेंटरों में संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, 20,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। दस्तक अभियान के तहत जेई और एईएस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 अप्रैल को रैली निकालने का सभी डीएम को मंडलायुक्त ने दिया निर्देश। श्रीमाली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, माली उत्सव सुजैनी में हुआ शोभा यात्रा का समापन। पेंशन कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न, कहा अगर सरकार पुनः पेंशन को बहाल नहीं करती तो होगा बड़ा आंदोलन। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आयोजित किया पिछड़े और दलित समाज के मसीहा ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती समारोह। महानगर ने फिर मौसम ने ली करवट, हुई हल्की बरसात। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता पर बालक वर्ग से एफसीआई और बालिका वर्ग से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के रेड की बालिकाओं ने किया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। झंगहा थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए डबल मर्डर के वादी पक्ष की तरफ से नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त पर एसएसपी शलभ माथुर ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। गांव में स्थिति फिलहाल सामान्य है, दोनों शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, वहां पर भी स्थिति सामान्य है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को झंगहा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने घटना के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए बताया। ये कल डबल मर्डर की घटना हुई थी, इसके अंदर वादी पक्ष द्वारा 9 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। ये घटना पुरानी रंजिश को लेकर अभी तक प्रकाश में आए, पुरानी रंजिश को लेकर संदर्भ में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत थे और 2016 में भी एक हत्या हुई थी और जो 2017 में भी एक अभियोग दूसरे पक्ष द्वारा लिखाया गया था। इस घटना के संदर्भ में टीमें गठित कर दी गई, एसपी क्राइम और जो कंसर्न्ड एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच की और टीम और थाना अध्यक्षों की टीमें इसके अंदर लगाई गई। जो एक मुख्य अभियुक्त है जिसके बारे में जानकारी हुई कि पहले से फरार चल रहा है राघवेंद्र, उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लेके आए, उनसे कुछ डिटेल्स वगैरह की जानकारी हुई और यथाशीघ्र दोषी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। दोनों शवों का पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए जो वहाँ का घाट है, जो गांव के पास का घाट है, वहाँ पर पहुँच के वहाँ पर उनके परिवारजन और जो पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाए। मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मंडल के चारों जिले के सभी जिलाधिकारी, सीडीओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने संस्थागत प्रसव की रिपोर्ट सही सही नहीं बता पाने पर कुशीनगर के सीएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिया है कि इसकी प्रति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी भेजी जाए ताकि सीएमओ के सर्विस बुक में चस्पा हो जाए। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में आयुक्त ने पाया कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे संस्थागत प्रसव की उपलब्धि कुल वार्षिक लक्ष्य का 84% है, जबकि अपर निदेशक स्वास्थ्य ने इसे 82.3% बताया है। कुशीनगर के सीएमओ ने 73.2% बताया, जबकि जिलाधिकारी कुशीनगर ने इसे 71.3% बताया। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और जिलाधिकारी को नियमित बैठक करके स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कहा कि पिछले 6 माह से यह स्थिति है और सीएमओ कार्यालय से कभी भी सही सूचना नहीं मिलती है। ये हालात तब हैं जब पहले ही रिपोर्ट बनवाने वाले बाबू से यह काम लेकर दूसरे को दे दिया गया है। मंडलायुक्त ने अब इसकी जिम्मेदारी सीडीओ कुशीनगर को सौंप दी है। और इस हिसाब से सर हम लोग काफी अच्छा चल रहा है, सबसे प्रभाव में है। और 13 मार्च के बाद से भी हम लोगों ने सर 1,47,000 बना चुके हैं सर, और चल भी रहा है। रिपोर्ट भी देखा लोगों को, काफी देखा सर, रिपोर्ट भी अच्छी क्वालिटी का चल रहा है सर, और सफाई भी काफी हो रही है, और झाड़ियों की कटाई नहीं हो रही है। सर गोरखपुर में दो और 7 से 12 में 30 और 12 से 36 भी सर कुशीनगर में 136 गाँव है, 256 गाँव है, और 7 अप्रैल से 12 तक 46 और 35 गाँव में 12 अप्रैल से 16। मुझे जब मिले तो सचिन ने आपसे कहा था मंडल के सभी जिलों में आगामी 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान चलेगा, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यक्रम से पात्र व्यक्तियों को संतृप्त किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस, 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत अभियान दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 मई को प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर किसान कल्याण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान अपना अनुभव बताएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों की भी जानकारी देंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के अधिकारियों को अभियान को सफलतापूर्वक संचालन करने का निर्देश दिया है। इसमें आयुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन, देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार, महाराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय, सीडीओ अनुज सिंह सहित पंचायती राज, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सेवा योजना एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा गोरखपुर जिले के 40 अलग अलग सेंटरों पर की गई। बुधवार को गोरखपुर में जिले के लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने बीएड की परीक्षा में भाग लिया, जो गोरखपुर के 40 सेंटरों में सकुशल संपन्न कराई गई। आपको बताते चलें कि पिछले साल की तुलना में इस बार अध्यापक बनने का युवाओं में रुझान कम दिखा, क्योंकि जहां पिछले साल लगभग 40,000 से 45,000 अभ्यर्थियों ने बीएड की परीक्षा दी थी, वहीं इस साल मात्र 20,000 ही इसमें सम्मिलित हुए हैं।
परीक्षा देकर वापस लौट रहे हाथों में प्रश्न पत्र लिए कुछ चेहरों पर मुस्कान थी तो कुछ मुरझाए भी दिखे। परीक्षा को नकलविहीन और सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा देकर लौट रहे कुछ अभ्यर्थियों से हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने बात की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। लाइन लगा लो, लाइन लाइन लगा लाइन 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 सवालों ने उलझाया होगा, कौन सा थोड़ा रीजनिंग सही है, हल्का फुल्का उलझा हुआ था और बाकी सही। ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल मीडियम, ज़्यादा नहीं हार्ड, लेकिन थोड़ा बहुत इधर इस टाइम का पेपर थोड़ा हार्ड था, लेकिन रीजनिंग सही। फर्स्ट नंबर तो इजी था, लेकिन सेकंड थोड़ा हार्ड था। रीजनिंग और मैथ्स का क्या हाल रहा? रीजनिंग भी इजी था, मैथ हल्का फुल्का टफ नहीं कहेंगे, मतलब नॉर्मली था। मुझे पढ़े होंगे उनके लिए तो रीजनिंग और मैथ्स का क्या हाल रहा, कैसा? सर मैथ का तो बहुत टफ नहीं था, स्लो कैटेगरी का था, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो सर इजी ही था। ओवरऑल कुल मिला के कैसा पेपर था? सर ओवरऑल मिला के कल टोटल जो है इजी ही। दस्तक अभियान के तहत 18 अप्रैल को मंडल के सभी जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम मुख्यालय पर जेई और एरियस के प्रति जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। यह निर्देश मंडलायुक्त अनिल कुमार ने इसके लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक, अपर निदेशक स्वास्थ्य तथा सभी जिलाधिकारियों को दिया है। आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि 18 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से यह रैली आयोजित की जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि जेई और एईएस से प्रभावित सभी गांवों में स्वच्छता अभियान संचालित करने के बाद अन्य सभी गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मत्स्य विभाग द्वारा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया में गंबूसिया मछली उपलब्ध करा दी गई है ताकि उसे जेई और एईएस से प्रभावित गांव के तालाबों में डाला जा सके। इससे पूर्व तालाब की सफाई भी कराएं। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि सभी सुअर बाड़ों में साफ सफाई एवं छिड़काव की व्यवस्था करा ली जाए। जल निगम विभाग छोटे हैंडपंपों पर लाल निशान लगवाकर इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी में क्लोरीन भी डलवा दे। उन्होंने छात्रवृत्ति, PMGSY, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, राशन कार्ड के आधार से लिंक, सेतु निर्माण, नई सड़कों के निर्माण, अमृत योजना, किताब वितरण आदि की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ से बचाव के दृष्टिगत बंधों की मरम्मत की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्य हैं उसे समय से पूरा करा लें। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन, महाराजगंज के DM अमरनाथ उपाध्याय, कुशीनगर के DM आंद्रे वामसी, देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बुधवार को माली समाज समिति महानगर के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सैनी के नेतृत्व में दलितों के मसीहा ज्योतिबा फुले की 191वीं जयंती पर बैंड एवं ढोल नगाड़ों और फूलों से सुसज्जित भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए एक मैरिज हॉल में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर तरह तरह की झांकियां भी देखने को मिली। शोभा यात्रा में महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राहुल श्रीवास्तव, जितेंद्र सैनी, राम बाबू सैनी, कृष्ण गोपाल, राजेंद्र सैनी, स्वरूप सैनी सहित अन्य सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, चलिए दोबारा फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। झंगहा में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पर एसएसपी ने किया 25,000 का इनाम घोषित, कहा पूरी तरह से सामान्य है स्थिति। विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने सीएमओ कुशीनगर को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि।
गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में 14 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा ग्राम स्वराज अभियान। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया निर्देश। गोरखपुर के 40 सेंटरों में संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, 20,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। दस्तक अभियान के तहत जेई और एईएस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 अप्रैल को रैली निकालने का सभी डीएम को मंडलायुक्त ने दिया निर्देश। श्रीमाली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। माली उत्सव सुजैनी में हुआ शोभा यात्रा का समापन। पेंशन कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न, कहा अगर सरकार पुनः पेंशन को बहाल नहीं करती तो होगा बड़ा आंदोलन। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आयोजित किया पिछड़े और दलित समाज के मसीहा ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती समारोह। महानगर ने फिर मौसम ने ली करवट, हुई हल्की बरसात। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता पर बालक वर्ग से एफसीआई और बालिका वर्ग से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के रेड की बालिकाओं ने किया कब्जा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐश प्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अटेवा पेंशन कर्मचारी संघ गोरखपुर के बैनर तले शिक्षकों की एक बैठक मोहद्दीपुर स्थित रफीक अहमद किदवई इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा पेंशन समाप्त किए जाने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में विमर्श करना था। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार हमसे पेंशन जैसी मूलभूत और बुनियादी अधिकार छीन लेती है तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी होने का कोई लाभ नहीं रह जाता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अटेवा के प्रदेश संगठन मंत्री राजीव यादव ने कहा कि अगर फिर से पेंशन बहाली की मांग को सरकार द्वारा नहीं माना गया तो आगामी 30 अप्रैल को दिल्ली पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी आपकी जो लड़ाई है बहुत ही उचित है और ये आपका लड़ाई लड़ने लायक है। हमें अन्य कार्यालयों में जाकर जो सरकार की संस्था के लोग हैं चाहे वो पेंशन भोगी हो, जैसे भी हम सबसे संपर्क साधन करते हैं। केवल एक मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली, इसी को लेके पूरे देश के पेंशन विहीन कर्मचारी हमारा भैया हमारा शिक्षक और अधिकारी 30 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि सरकार को एहसास हो कि जो हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन छीन ली गई है उसको पुनः वापस कर दिया जाए
अन्यथा की स्थिति में देश में स्थिति भयावह हो जाएगी। बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी स्वामीनाथ पाल की अध्यक्षता में दलितों के मसीहा कहे जाने वाले महापुरुष ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़े सदस्यों ने ज्योतिराव फुले के जीवन से संबंधित और दलितों और पिछड़ों वर्गों पर ज्योतिराव फुले के विचारों को बताया। इस मौके पर अधिवक्ता अनिल कुमार, उप जिला अध्यक्ष गजानन अशोक मौर्य सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के स्वामीनाथ पाल ने कहा, राष्ट्रपिता ने अनिल जी सम्मानित साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम फूले के सतारा में हुआ जगह का नाम सतारा, और उनका उस व्यवस्था का शिकार ये उन्होंने ये भारत के पहले मानव हैं जो अछूतों के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, आरक्षण व्यवस्था दिया, और उन्होंने पूरे जीवन अपना घर द्वार छोड़कर एक से परिवार में अपना जीवन यापन किया। अपने घर से वो निकाल दिए गए जब उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ना शुरू किया। गोरखपुर में विगत कुछ दिनों से मौसम में अजीब सी अंगड़ाई लेने शुरू कर दी है। जहां एक और महानगर में तेज धूल भरी आंधियां चली, वहीं बुधवार को हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। मौसम में आए अचानक इस बदलाव से जहां एक ओर शहर के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर उन किसानों की दिक्कतें भी बढ़ गई जिन्होंने अभी तक अपने गेहूं को काट कर अभी खेतों में ही रखा है। हम दर्शकों को बताते चलें कि मौसम विभाग के भविष्यवाणी के अनुसार अभी एक से दो दिन तक मौसम में इसी तरह के अचानक बदलाव की स्थिति बनी रहेगी। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जगदम्बा प्रसाद पांडे स्मारक फिफ्थ असाइड अंडर 16 जनपद स्तरीय नॉकआउट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में एफसीआई बालकों ने एमएसआई इंटर कॉलेज को 7-0 के अंतर से रौद डाला और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के रेड की बालिकाओं ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ब्लू को 4-2 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह ने विजेताओं और उप विजेताओं की टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी माइकल अलेक्जेंडर, प्रधानाचार्य वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के एके पांडे, प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा, हॉकी गुरु इमरान खान, महिला हॉकी प्रशिक्षक एनपी गौड़ सहित पूर्व खिलाड़ी और प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह ने कहा, सुखद क्षण उनके साथ आ
अन्नू चौधरी मैच चल रहा है फिर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के गर्ल्स रेड एंड ब्लू टीम है चेहरे हंसते हुए रहने चाहिए हाँ फोटोग्राफी ये गीता मिश्रा जी ने अपने पिताजी की स्मृति में उत्तर प्रदेश में ये दूसरा टूर्नामेंट है कि फिफ्थ साइड हॉकी है जिसे राष्ट्रीय मान्यता हो गई अंतरराष्ट्रीय अच्छा हम चाहेंगे कि नासरा में यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है मैं सबके प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। झंगहा में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पर एसएसपी ने किया 25,000 का इनाम घोषित, कहा पूरी तरह से सामान्य है स्थिति। विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने सीएमओ कुशीनगर को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में 14 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा ग्राम स्वराज अभियान, मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया निर्देश। गोरखपुर के 40 सेंटरों में संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा, 20,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। दस्तक अभियान के तहत जेई और एईएस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 अप्रैल को रैली निकालने का सभी डीएम को मंडलायुक्त ने दिया निर्देश। श्रीमाली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, माली उत्सव सुजैनी में हुआ शोभा यात्रा का समापन। पेंशन कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न, कहा अगर सरकार पुनः पेंशन को बहाल नहीं करती तो होगा बड़ा आंदोलन। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आयोजित किया पिछड़े और दलित समाज के मसीहा ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती समारोह। महानगर ने फिर मौसम ने ली करवट, हुई हल्की बरसात। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता पर बालक वर्ग से एफसीआई और बालिका वर्ग से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के रेड की बालिकाओं ने किया कब्जा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक दीजिए हमें इजाजत और देखते रहे गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।